मगध विश्वविद्यालय से आज कई न्यू नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा को लेकर, ऑनलाइन परीक्षा को लेकर आज से तैयारियां शुरू की जाएगी। साथ ही साथ पूर्व वित्त सलाहकार के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है मगध विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए। यहीं पर बताया जा रहा है गया कॉलेज में ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की गई है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक देखिएगा जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन छात्रों की जो यहाँ पर देख सकते हैं पूर्व वित्त सलाहकार के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है। यहाँ पर चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मगध विश्वविद्यालय के पूर्व वित्त सलाहकार मधुसूदन को आर्थिक अनियमितता एवं विधि मान्य से अधिक वेतन भुगतान लेने पर मामले राजभवन के कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जी हाँ, उल्लेखनीय है कि मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो राजेंद्र प्रसाद ने 26 मई 2021 को, जी हाँ, राज्यपाल सह कुलपति, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुलाधिपति, राज्यपाल, सचिवालय, राजभवन बिहार पटना को पत्र भेजकर अवगत आया है। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि मधुसूदन ने 22 जुलाई 2020 को मगध विश्वविद्यालय में वित्तीय सलाहकार के पद पर योगदान किया था। कुलपति प्रो राजेंद्र प्रसाद ने राजभवन के अवगत कराया गया था। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि सेवानिवृत्त कार्मिक होने के बावजूद पद का दुरुपयोग कर पूर्व वेतन जो है तथा पूर्व पेंशन का एक प्राप्त करते रहे, जो नियम विरुद्ध है। यहां पर यह भी बड़ी खबर निकल कर आया। बताइए ऐसी कारण, ऐसी कंडीशन में जो वहां के खुद अधिकारी हैं ऐसा कारण कार्य कर रहे हैं, तो हम एक स्टूडेंट से क्या मतलब उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए बताया जा रहा है, पूरी जानकारी जान लेते हैं। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय के PRO डॉक्टर शैलेंद्र माणि त्रिपाठी ने बताया कि इस बीच मधुसूदन का स्थापन मगध विश्वविद्यालय से तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में स्थान, जी हाँ दोस्तों, स्थानांतरण होने के कारण आर्थिक भुगतान की गई है, राशि का वसूली नहीं हो पाया है। इनके भविष्य तिथि खाते से वंचित संचित राशि में से वसूली किया जाएगा, ये बड़ा निर्देश दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि CUSV आज से ऑनलाइन परीक्षा तैयारी शुरू, परीक्षा की तैयारी शुरू। ठीक है, यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि UG एवं PG पाठ्यक्रम की परीक्षा को लेकर जारी किया गया है शेड्यूल। ओपन बुक परीक्षा को लेकर ओरिएंटेशन कार्यक्रम का किया गया है आयोजन। छात्रों की दी गई है प्रश्नों की संख्या, प्रश्न पत्र प्रारूप और समय की जानकारी। ये बड़ी खबर है सभी छात्रों के लिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय के निर्देश के द्वारा आलोक में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय CUSV द्वारा बुधवार 14 जुलाई से ऑनलाइन ओपन बुक OBE माध्यम से एंड टर्म परीक्षा आयोजित की जा रही है। विश्वविद्यालय ने COVID-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा OBE आयोजित करने का निर्णय लिया है, ताकि छात्रों का मूल्यांकन आगामी सेमेस्टर में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को तैयार करने का संशोधित करने के लिए एक दिशा निर्देश। परीक्षा नियंत्रित राशि रसीम त्रिपाठी ने विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अधिसूचना नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि सभी UG स्नातक और PG स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम द्वितीय सेमेस्टर के सम सेमेस्टर जनवरी जून 2021-17 के एंड टर्म परीक्षा और सभी PG कार्यक्रम 17-19-21 के बैकलॉग परीक्षा COVID-19 अवधि के दौरान अतिरिक्त नियम से जो है अनुसार विनियम से अनुसार ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाए। ठीक है, परीक्षा 14 जुलाई से शुरू होगी और ये पाठ्यक्रम के अनुसार चरणबद्ध तरीके से अगस्त के पहले सप्ताह तक OBE माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। ये बड़ी खबर है सभी स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि गया कॉलेज शिक्षा विभाग में ऑफलाइन क्लास का सफल संचालन शुरू किया गया है। COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मास्क की अनिवार्यता के साथ ऑफलाइन अध्यापन का कार्य आरंभ हो चुका है। विभागाध्यक्ष डॉक्टर धनंजय धीरज ने बताया कि बीएड के दोनों ही सत्र के विद्यार्थियों को 50% उपस्थित के साथ कक्षाओं में बुलाया जा रहा है। धीरज ने कहा कि सभी 50% विद्यार्थियों की उपस्थिति थोड़ी कम अंकित की जा रही है। विभागाध्यक्ष ने कहा कि एक सत्र 50% उपस्थित के साथ भौतिक उपस्थित के साथ जिस प्रकरण का अध्यापन करवाया जाएगा, शेष विद्यार्थियों की उसी समय ऑनलाइन लिंक के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ठीक है, ताकि शिक्षक को यह प्रकरण
कि दोबारा मतलब अध्यापन ना करना पड़े, ये बड़ी खबर है। चलिए बहुत अच्छी बात है, यह ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो चुकी है, आप लोग जाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं अच्छी तरह, ठीक है। तो दोस्तों ये थी विश्वविद्यालय से जुड़ी पूरी खबर, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेशन में जरूर बताएं। आने वाली पूरी जानकारी आपको इसी चैनल पर दी जाएगी मगध विश्वविद्यालय से रिलेटेड। चैनल को ज्वाइन करें सब्सक्राइब करके, बगल में घंटे का ऑप्शन उसको भी दबा दीजिए, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा क्लिक कर दीजिए, बगल में घंटे का ऑप्शन उसको भी दबा दीजिए कि आने वाली पूरी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय वंदे मातरम।